कुमार विश्वास, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। अमेठी में आप पहुंचे हुए राहुल गांधी के गढ़ में, कुछ दिनों से वहां पर पैड बनाए हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं वहां पर, क्या हो रहा है? निधि जी, एक तो गढ़ में बोलना, मुझे लगता है कि 1947 में देश आजाद हो चुका, गढ़ किले रियासतें सब खत्म हो चुकी। अमेठी एक लोकसभा क्षेत्र है और वहां मैं टिकट मांगने के लिए आया हूं। कल मैंने देखा कि एक चौराहे पर बहुत सारे कांग्रेस के साथी खड़े हुए थे और कह रहे थे कुमार विश्वास वापस जाओ। तो मैंने उनसे पूछा भी कि भैया अमेठी आने के लिए कोई वीजा लेना पड़ेगा, कोई पासपोर्ट लेना पड़ेगा, या हो सकता है मैं दिल्ली से निकला हुआ हूं, कल अमेठी आजाद हो गया हो, स्वतंत्र देश के रूप में घोषित कर दिया गया हो। तो जनता में बहुत जबरदस्त उत्साह है और लोग बहुत सड़कों पर उतरे हुए हैं लगातार, और आज भी बहुत सारी जगहों पर मैं घूमा हूं और अभी भी दो रैलियां प्रस्तावित हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, वहां पर राहुल गांधी, आपने कहा कि उन्होंने अमेठी का प्रश्न संसद में नहीं उठाया, लेकिन राहुल गांधी ने वहां पर काम काफी किया है, कई फैक्ट्रीज लगाई हैं, लोगों को कारोबार दिया है, क्या वहां पर आसान रहेगा आपके लिए एक तरह से अपनी पैठ बनाना? बहुत सरल इसका उत्तर है निधि जी, जी। अगर राहुल गांधी जी ने सचमुच विकास किया है 10 साल में, तो निश्चित रूप से वो इस बार जीत जाएंगे। और अगर उन्होंने विकास नहीं किया है, अगर प्रधानमंत्री सड़क योजना में केवल 20% सड़क बनी है अमेठी में, अगर अमेठी में प्रति व्यक्ति आय उतनी ही है, अगर अमेठी का सवाल उन्होंने एक भी नहीं उठाया है, अगर अमेठी में आज भी लाल चीनी लोग खाते हैं, अगर अमेठी में अभी भी शंकरगढ़ का पुल 2 साल से टूटा हुआ है जो बन नहीं रहा है, अगर अमेठी में केवल 8 घंटे बिजली आ रही है, तो लोग उन्हें पराजित करेंगे और कहेंगे कि हमें विश्वास कई लोग कह रहे थे कि वहां पर अमेठी से ज्यादा जो आपकी रैली थी, वहां पर इलाहाबाद, बनारस, बिजनौर से लोग ज्यादा आए थे, अमेठी से ज्यादा लोग नहीं आए थे, ऐसा है क्या? अमेठी जहां मुख्यालय जिसे कहते हैं, जहां अमेठी का बाजार है, वो टोटल 12,000 से 15,000 लोगों की जगह है। कल 35,000 से 50,000 की लोग बाग अनुमान लगा रहे थे, आपके चैनल पे भी यही आंकड़े के आसपास था। तो अगर उनमें से कुछ लोग 2,000-5,000 बाहर से भी आए होंगे, 10 भी आए होंगे, तो बचे हुए लोग भी कहीं से आए होंगे। गौरीगंज से लोग आए थे, सलोन से लोग आए थे, तिलोई से लोग आए, जो विधानसभा क्षेत्र हैं। और फिर भी मैं कह रहा हूं, कांग्रेस को ये बात कहने की जरूरत क्या है? मैं कहता हूं एक भी अमेठी का आदमी नहीं आया तो खुश होना चाहिए उन्हें कहना चाहिए निश्चिंत रहो, क्यों कुमार विश्वास के ऊपर अंडे फेंक रहे हो, अपन जीतने जा रहे हैं, हर साल जीतते हैं, इस बार जो भी जीतेंगे। ग्रामीण इलाका है, मैं इसलिए पूछ रही हूं कुमार विश्वास, क्योंकि आप कम समय के लिए मुझे मिले हैं, जो वहां पे ग्रामीण इलाका है, आपके भाषण में उनको संबोधित नहीं किया गया, सिर्फ संजय सिंह ने नरेगा की बात की और प्लानिंग कमीशन ने जो 26 रुपए का आंकड़ा दिया था, लेकिन जो वहां का जो बहुतायत में लोग हैं उसको संबोधित नहीं किया गया भाषण में, क्योंकि उसके लिए तो जो महंगाई है वही सर्वोपरि है, क्योंकि जो कैटल का जो चारा है वो 1200 रुपए मिल रहा है, वो ब्लैक में 2000 हो जाए, उसके लिए वहां पे तो वो चिंता का विषय था, आम आदमी पार्टी आ रही है, मोदी आ रहा है, शायद ये वहां पे चिंता का विषय नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं निधि जी, अगर मैंने वहां पुल का जिक्र किया जो टूटा हुआ है, उसकी वजह से 500 गांव प्रभावित हैं। अगर मैंने जिक्र किया कि वहां 8 से 9 घंटे केवल बिजली आती है, तो उससे गांव प्रभावित हैं। अगर मैंने जिक्र किया कि वहां लाल चीनी लोग खा रहे हैं राशन की दुकान पे, तो इससे भी गांव प्रभावित है। और मैं अमेठी का, जब जिस समय मुझे घोषित प्रत्याशी बता दिया जाएगा, मैं अमेठी का अपना एक मैनिफेस्टो बना रहा हूं, अपना घोषणा पत्र बना रहा हूं, उसमें काम की लिस्टिंग हमारे साथी कर रहे हैं, 1,00,000 कार्यकर्ताओं की सूची यहां पर तैयार हो रही है, 7,500। राहुल क्या क्या कर रहे हैं, तो सारे विषय राज्य के हैं, जो राज्य सरकार है, राहुल तो एमपी है सिर्फ, सत्ता तो जो राज्य की। मासूम तर्क है, हाँ। ये इतना मासूम तर्क है, जब कन्नौज में डिंपल यादव खड़ी होती हैं, तो समाजवादी पार्टी पर इतनी कृपा करती है कि कांग्रेस वहां कैंडिडेट ही नहीं खड़ा करती है। जब अखिलेश यादव की पत्नी के सामने हो तो नहीं खड़ा करना है, जब राहुल जी के सामने खड़ा करना हो तो सपा नहीं खड़ा करती है। यानी कि अपने बेटे बेटियों की, बहुओं की तो बड़ी चिंता है, जरा अमेठी के बेटे बेटियों के लिए भी एक दूसरे से बात कर लेते। अच्छा, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है भैया, सड़क बनवा दीजिए। नरेंद्र मोदी भी एक सामान्य परिवार से आते हैं, राहुल गांधी को तो चलिए आप जो भी कहें, राहुल को सीधे आप लोग चुनौती देते हैं, मोदी को आपने बोला कि वो वहां से आके लड़े, लेकिन नरेंद्र मोदी और राहुल में आपके लिए चुनौती कौन बड़ी होगी अगर मोदी वहां पे आ गए तो? देखिए, मेरे लिए कोई चुनौती नहीं, मेरे लिए तो मुद्दे चुनौती है। मैं दूसरा अंतर बता दूं आपको, अगर नरेंद्र मोदी सामान्य परिवार से आते हैं और वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, तो आप ये मानिए कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रतिभा है, आप सहमत असहमत हो जाइए उनसे, कुछ ना कुछ तो श्रम किया है, कुछ ना कुछ तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस चला होगा जो यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी में तो गांधी होने के अलावा क्या विशिष्ट है, क्या ऐसा महत्वपूर्ण है उनमें? कुमार विश्वास, 2009 में आपने राजनाथ सिंह के लिए वोट किया था, आपने तब ट्वीट किया था कि कोई विकल्प नहीं है, तो ये आपका झुकाव है बीजेपी की तरफ, इसको ऐसा समझें क्या? मोदी की भी प्रतिभा पार्टियों में इंटरनल डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है हमारी पार्टियों में। यानी कि अगर जो बात कह दी गई तो फाइनल करो, इस बात को सच मानने में कहां प्रॉब्लम है कि राहुल गांधी वंशवाद के कारण है
और नरेंद्र मोदी अपनी क्षमता, आप असहमत होइए ना, मैं भी असहमत हूँ, कमजोर लोकायुक्त बना रखा, असहमत मोदी जी पर एक कविता भी लिखी थी शायद आपने, नरेंद्र मोदी पर कविता भी लिखी थी आपने। आज तक मैंने किसी मनुष्य पर कविता नहीं लिखी है जीवित पर, मैंने केवल संवेदनाओं पर कविता लिखी है। हाँ, मैंने कविता पढ़ी जरूर है उनके सामने कई बार, और वो मेरे बड़े प्रशंसक रहे, रात तीन तीन चार चार बजे तक बैठ के कविताएं सुनी है। ये कोई बहुत बुरा काम नहीं है, मैं कविताएं पढ़ता था, उससे मेरा जीवन चलता था, आज भी चलता है। अगर अहमदाबाद के कवि सम्मेलन में देर शाम तक बैठे हैं और उनके जन्मदिन पर वहां का कवि सम्मेलन है, तो मैं उन्हें शुभकामना ही दूंगा। मैं यही कहूंगा कि आप बहुत प्रगति करें, आप बहुत आगे बढ़ें, आप लोकप्रिय रहें, या मैं वहां उनसे कहूंगा नहीं साहब, अभी तो लोकायुक्त पे आपसे बहस करनी है।